आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सूजी और बेसन से बना एकदम मज़ेदार नाश्ता, सूजी बेसन बॉल्स। सूजी और बेसन से बना ये इतना मज़ेदार नाश्ता है कि आप एक बार खाएंगे तो बार बार इसे बनाना चाहेंगे। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल रेसिपी है जो सिर्फ 10 मिनट में बनकर ये तैयार हो जाती है। और ठंडी का मौसम आ गया है तो ठंडी में कुछ गर्मा गर्म खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सूजी बेसन बॉल्स बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है जिसमें आधा कप हम बेसन डाल लेंगे और साथ ही साथ आधा कप मैंने ये बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी नहीं है तो आप मिक्सी में इसे पीस कर बारीक कर सकते हैं। स्वाद अनुसार मैंने नमक लिया है, आधा छोटी चम्मच नमक डाल लेंगे। एक चौथाई छोटी चम्मच मैंने यहाँ हल्दी पाउडर डाल लिया है, इसे अच्छे से मिला देंगे। अब मैंने यहाँ पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल तैयार कर लेंगे। बिल्कुल पतला सा घोल तैयार करना है, इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। तो पानी को थोड़ा थोड़ा डालकर ही हम इसमें मिक्स करेंगे। आधा कप पानी मैंने और लिया है, एक कप पानी पहले लिया था और आधा कप पानी मैंने और लिया है, तो इसका पतला सा घोल बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे जिससे सूजी और बेसन हल्का सा फूल जाएंगे। अब मैंने यहाँ एक पैन लिया है और उसमें आधा छोटी चम्मच मैंने तेल डाल लिया है, एक चौथाई छोटी चम्मच इसमें अजवाइन डाल लेंगे जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। एक से दो पिंच मैंने यहाँ हींग डाल ली है। अब जो घोल मैंने बनाकर तैयार कर लिया है वो डाल लेंगे। घोल को डालने से पहले एक बार चम्मच से ज़रूर चला लेना। अब इसे चम्मच से चलाते हुए ही हम अच्छे से पकाएंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। जैसे जैसे ये पकेगा हल्का सा गाढ़ा होता जाएगा और तले में ये चिपकने लगेगा, तो इसका चलाते हुए ही हमें पकाना है और धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा और डो की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे डो लगाते हैं हम, जैसे आटा लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा चिपका हुआ लगे तो आप एक चम्मच यहाँ तेल और डाल सकते हैं। ये बनकर तैयार है, अब हम इसे साइड में रख देंगे, ठंडा कर लेंगे। देखिए ये मैंने ठंडा कर लिया है और थोड़ा सा हाथों पर घी या तेल लगाकर इसे थोड़ा सा हम चिकना कर लेंगे। देखिए अच्छे से चिकना हो गया है। अब एक चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, एक चम्मच के करीब ही बारीक कटे हुए कड़ी पत्ता, एक चम्मच ही बारीक कटा हुआ मैंने यहाँ हरा धनिया लिया है, वो डाल लेते हैं। और एक मैंने प्याज लिया है जिसे बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, एक छोटी चम्मच चाट मसाला, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। नमक हमें ध्यान से डालना है क्योंकि नमक पहले भी डाल लिया था। एक छोटी चम्मच हम यहाँ अदरक का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो बारीक कट करके भी अदरक को डाल सकते हैं, या आपको अगर लहसुन पसंद है तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। देखिए मिक्सचर मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और हल्का सा इस पर घी या तेल हम लगा देंगे। जब हम हाथों में इसे लेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। अब थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथों में लेंगे और इसे गोल बनाते हुए बिल्कुल गोल गोल हम इसकी बॉल्स तैयार कर लेंगे। नींबू साइज़ का हम मिक्सचर लेंगे और छोटी छोटी हम बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर ये चिपके तो हाथों पर आप घी या तेल लगा सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे हम।
सारी बॉल्स बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसे डाल लेते हैं। डालने के तुरंत बाद हमें इसको टच नहीं करना है बिल्कुल भी। हल्का सा जब कलर आ जाएगा तो हम इनको चम्मच से या कलछी से चलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक बार अच्छे से तेल गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। देखिए इसमें हल्का हल्का कलर आ गया है, आप देख पा रहे होंगे इसमें कलर आ गया है। तो अब इसे अलट पलट के हम हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं, आप देख पा रहे होंगे बहुत ही प्यारा कलर आया है। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं इसे इसमें। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन अच्छा कलर इसमें आया है। और जो हमारे बाकी बच गए हैं उन्हें भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और हल्का सा कलर आने के बाद ही इसे अलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सूजी बेसन बॉल्स बनकर तैयार हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रही हैं और एकदम टेस्टी भी हैं। आप भी ऐसे ही झटपट नाश्ता तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके घर में मेहमान आ जाएं और कुछ बनाने को नहीं हो तो आप सिर्फ दो चीज़ों से ही इस नाश्ते को बना सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी लगता है। और ठंडी का मौसम आ गया है तो आप भी ऐसे गर्मा गर्म कुछ बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ आपको एक बार दिखा रही हूँ इसे तोड़ के, बिल्कुल अंदर तक ये पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। आप इसे सॉस के साथ, चटनी के साथ या ऐसे ही चाय के साथ भी इसको इन्जॉय कर सकते हैं। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आ रही है मेरी वीडियो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट्स पर आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी मैं वीडियो डाल रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो इस ठंडी में आप भी कुछ गर्मा गर्म बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। और इसे झटपट आप 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी नाश्ता है। तो चलिए आप भी बना सकते हैं इसे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।